कुछ सोचा होगा, क्यों फैसला लिया आपने ऐसा? मैंने इसीलिए लिया क्योंकि जो मुझे ठीक लगा मैंने उस हिसाब से लिया। बहुत ज़रूरी था फैसला लेना कि मैं रूपा के साथ शादी कर लूँ। काफ़ी देर हो गई है, हफ्ते से ऊपर हो गया, और अब एंगेजमेंट कर लूँ। अब जोरदार ताली हो जाए देश के लिए, रूपा के लिए। हितेश की मम्मी जी, रूपा की मम्मी जी, आप लोग प्लीज मंच पर आ जाइए। रूपा की मम्मी जी, आप क्या कहती हैं, अंगूठी पहना दी जाए? एकदम। तो एकदम से पहना दीजिए। शादी तो अब संपूर्ण होगी, लेकिन मैं समझता हूं उसके पहले बहुत जरूरी है कि पति परमेश्वर जी आप यहां हैं। यहां हैं। शादी कुछ रस्में होती हैं। इनकी भार्या अर्धांगिनी पत्नी यहां हैं। इधर आएं, इनके चरण छुएं, इनसे आशीर्वाद मांगे। नहीं, एक भारतीय रिवाज है, ये तो पूरा करना ही होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों के पार्टी, प्लीज टेक योर सीट्स। थैंक यू रूपा, आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सिक्योर्ड फील कर रही हूँ अभी, और लास्ट वीक से ही कर रही थी, बट थोड़ा सा बीच में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स, अपसेट सी हो गई थी थोड़ी, बट अभी थोड़ा ज़्यादा डर गई थी। बहुत बड़ा झटका लग गया था, मुझे लगा था हुआ क्या है, बस लाइक कभी हितेश ने ऐसा किया नहीं था। आंटी सबसे अच्छा, ज़्यादा डर गई थी रूपा की मम्मी। क्या आपके मन में क्या आया था? मेरा मन में ये आया, बच्ची इतनी आगे हो गई, अगर कुछ सुसाइड वगैरह कुछ तो देखते रहते हैं, ये सब मेरे पहुंच गई। इतना दूर पहुंच गई थी मैं। और आपने क्या सोचा था? मैं ये सोच रहा था, लगता है इसके सामने कुछ टेम्परेरी फेस है, इसके माइंड में लगता है स्टेज के पीछे हमको जाना पड़ेगा, मियां बीबी को, और इसको सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ खड़ा करके कमिटमेंट देके इसने ऐसा किया कैसे है। बात धन्य है जो आपके माता पिता ऐसे हैं। रूपा, आपके लिए इतना बड़ा दिन है, आपको इतनी खुशियां मिली हैं, लेकिन अभी आपके पापा यहाँ नहीं है, तो आप उन्हें मिस कर रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा है कि मैं अपने डैड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो लास्ट टाइम जब चुन्नी शगुन मिली थी मुझे, तब डैड थे, उनकी खुशी मैंने देख ली थी। आई एम श्योर जब वो देखेंगे इसे तो और ज़्यादा अच्छा उनको लगेगा, बहुत खुश हो जाएंगे वो। अभी वो आपको देख रहे हैं, तो आप उन्हें कुछ कहना चाहती हैं? उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगी, और भैया का भी, भाभी का भी, घर में जितने लोग हैं सबका आशीर्वाद। और मैं आप दोनों को बता दूँ कि आप दोनों ने जाने अनजाने इतिहास रच दिया है। ये ऐतिहासिक क्षण है कि पहली बार टेलीविजन में कोई वाकई एक दूसरे से शादी करने वाला, पहली बार। आप दोनों परिवारों को बहुत बहुत बधाइयां। हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते रूपा लक्स परफेक्ट ब्राइड बने और इसी मंच पर शादी हो। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक योर सीट्स। सगाई हो चुकी है, लेकिन जब लड़की की सगाई हो जाती है तो उनके दोस्त हमेशा उन्हें चिढ़ाते हैं। कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि तूने तो खुशी खुशी
खुदकुशी कर ली, ये देखिए। रोमित भैया, भैया जी आपको क्या लगता है रूम्पा, प्रियंका और गुरप्रीत में लक्स परफेक्ट ब्राइड कौन बनने वाली है? मैं बस तीनों को ऑल द बेस्ट और अपने बेस्ट विशेस देने आई हूँ। एंड आई थिंक तुम्हें बांगाली राइट है, तो बांग्ला यतटुकु बोलबो अनेक अनेक शुभेच्छा और अमार अनेक अनेक भालोबाशा। दुजने भालो थेको और लाइफ जर्नी के भालो करे। ये क्या था, ये देश का चेहरा देख लो। मैं भी कुछ बंगाली में कहना चाहता हूँ। बृष्टि पौरे टापुर टुपुर आमी तुम्हारो खूब भालो भाषी। अकॉर्डिंग टू मी ऑल थ्री आर परफेक्ट ब्राइड्स एंड ऑल थ्री आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। विश्व त्रिपाठी आपने मौनी और विशाल का सुपर परफॉर्मेंस देखा, क्या कहेंगे आप? फैंटास्टिक। मैंने पहले भी मैंने मौनी को देखा है स्टेज पर डांस करते हुए, शी इज अ ट्रू डिलाइट टू वॉच ऑन स्टेज। पहली बार मैं विशाल को देख रही हूँ स्टेज पर डांस करते हुए। आई हैव सीन हिम डू लॉट्स ऑफ अदर एंटिक्स ऑन स्टेज, लेकिन डांस करते हुए मुझे बहुत बहुत मजा आया। आई होप यू फाइंड योर परफेक्ट ब्राइड वन डे, एंड मौनी आई होप यू फाइंड योर परफेक्ट ग्रूम वन डे, एंड आई विश बोथ ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू सो मच मौनी, जोरदार तालियां हो जाएंगे।